नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक हर गरीब को सरकारी आवास देने का सपना देखा और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, जिससे देश के आखिरी गरीब व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच सके और उन्हें भी सरकार की तरफ से छत मुहैया हो सके। लेकिन बस्ती के भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसा भ्रष्टाचार किया कि पीएम की उस योजना का ही बंटाधार हो गया। दरअसल केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सूडा विभाग को पीएम आवास योजना की जिम्मेदारी दी थी। इस योजना में इस कदर सेंधमारी की गई कि पूरी योजना ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सैकड़ों अपात्रों को पीएम आवास योजना का लाभ दे दिया गया, जिसकी शिकायत प्रशासन में हुई और अब इस मामले की कार्रवाई शुरू हो गई है। जूड़ा में तैनात कर्मचारियों और अधिकारी अपना दफ्तर छोड़कर लापता हो गए हैं। पूरा कार्यालय वीरान सा हो गया है। डूडा में कुछ आवासों की जियो टैगिंग गलत की गई थी, जिसके लिए संबंधित जो उत्तरदायी जेई हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई है और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके अतिरिक्त पीओ डूडा के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की गई है और उसके साथ ही अन्य जो जेई हैं उनके भी कार्यों की जाँच के लिए एक समिति गठित की जा रही है सभी नगर पंचायतों में, और जो भी उसमें आवश्यक जाँच के बाद रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, परियोजना अधिकारी के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की गई है और दो जेई के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की गई। अगली खबर अमेठी से है। अमेठी में देर शाम जामो थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस अधीक्षक ईला मरन, जहां उन्होंने थाना कैंपस सहित कई महत्वपूर्ण अभिलेखों के रखरखाव, जमीन विवाद संबंधी रजिस्टर और मेस का निरीक्षण किया। मेस की गंदगी देखकर एसपी ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाई। एक सप्ताह के अंदर मेस को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण में मिली खामियों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने नाराजगी जताई और तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। आज मेरे द्वारा थाना जामो में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान थाने का रखरखाव अभियोगों का अवलोकन किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रजिस्टर जिसमें जमीन विवाद संबंधित है उसको भी मेरे द्वारा अवलोकन करके इसमें निर्देश किया गया है। अभी थाने का परिसर का भी और मेस का भी निरीक्षण किया गया है। उसके द्वारा जो कमियों आई तो कई चीज़ों संतुष्टजनक आई, जिसमें कुछ कमियों आई इसको निस्तारण करने के लिए मेरे द्वारा थाना प्रभारी को आदेश किया गया है। अगली खबर गोंडा से है। गोंडा जिले में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पास बलरामपुर मार्ग पर उस समय भीषण हादसा हो गया जब अयोध्या से अंतिम संस्कार कर बलरामपुर जा रही डीसीएम छुट्टा जानवर के चलते अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और डायल 112 की टीम रेस्क्यू कर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और उपचार के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर प्राथमिक उपचार करने में जुट गए। वहीं घायलों में से एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। कुछ लोग अयोध्या से दाह संस्कार करके एक डीसीएम से वापस आ रहे थे जो जनपद बलरामपुर ग्राम मथुरा के रहने वाले थे। ये गोंडा और बलरामपुर रोड पर पंडरी के पाल के पास एक पशु आ जाने के कारण ये डीसीएम पलट गई, जिसमें 30 से 35 लोग बैठे थे, जिसमें काफ़ी लोग इसमें चोटें आई हैं जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इसमें 9 महिलाएँ भी थीं जिनको यहाँ एडमिट कराया गया है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल था उसे हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया। जब कितने लोग टोटल घायल हुए हैं? इसमें लगभग 25 लोगों का नाम अभी आया है। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस धार्मिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सकुशल करने के लिए अलर्ट रहती है। श्रावस्ती में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आगामी कजरी तीज के मद्देनजर श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने थाना सिरसिया क्षेत्र पांडव कालीन विभूतिनाथ मंदिर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही यातायात प्रबंधन को चेक कर थाना प्रभारी पंकज कुमार ने कजरी तीज के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खबर चंदौली से है, जहां गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। गंगा के पानी से गांव में तबाही मचने लगी है। दर्जनों गांव के घरों में गंगा का पानी घुस गया है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। वहीं कई गाँव में नाव की मांग उठने लगी है।
खबर लक्सर से है। लक्सर पुलिस ने खेरी खुर्द गांव के जंगल से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों को चोरी किए गए सामान के साथ बरामद किया गया है। सीओ हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि पिछले दिनों ट्यूबवेल से पंपिंग सेट और मोटर चोरी कर लिया गया था। इसके अलावा भी कई चोरी हुई थी। मामलों की रिपोर्ट लक्सर कोतवाली में दर्ज की गई थी और लक्सर प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गठित टीम इसके जांच में जुट गई थी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर इन सभी चोरों की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को गांव के कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया है। थाना लक्सर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मुकदमों में जो कि अकोड़ा कोला से चोरी हुई थी, पंपिंग सेट वगैरह की चोरी हुई थी, उनके संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ये पंपिंग सेट, पुराने क्या नाम कंप्यूटर के पार्ट्स और कुछ थाली वगैरह मिली बरामद हुई है और बैटरी बरामद हुई है, जिनके विरुद्ध पहले से अभियुक्त दर्ज हैं, उनको मुकदमा है और उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में भेजा जा रहा है। खबर उत्तराखंड से है। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग जानकी चट्टी से 2 किलोमीटर आगे बड़ेली घाट पर यात्रियों के आवाजाही वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं यात्री दूसरे मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं जो कि काफ़ी पतला और संकरा है। इस रास्ते पर यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले में कल एक युवक के अग्निवीर भर्ती में असफल हो जाने पर कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। अचानक हुई घटना से ग्रामीण ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में सन्नाटा फैला हुआ है। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने मृतक के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इस उम्र में नौजवान का जाना बेहद दुखद है और जिस तरह से युवक ने यह कदम उठाया है वह परिवार और समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को यह अग्निवीर भर्ती रद्द कर देनी चाहिए और इससे पहले की तरह सेना की भर्ती की जानी चाहिए। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।